दोस्तों, अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा कोई काबू नहीं होता है, लेकिन आज आपको मैं 8 ऐसे चीजें बताने वाला हूं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं और उससे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1. आपकी सोच, योर थॉट। यह दुनिया आपके दिमाग का प्रतिबिंब है। जो कुछ आपके दिमाग में चलता है वही आपको बाहर की दुनिया में दिखाई पड़ता है। अगर आपके दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार रहते हैं तो आपको अपने आसपास भी सब कुछ नकारात्मक मिलेगा, और अगर आप सकारात्मक सोच से अपने दिमाग को पोषण देते हैं तो आपको अपने वातावरण में भी सकारात्मकता भरी नजर आएगी। आपका मूड एकदम तरोताजा रहेगा। आप एक खुशनुमा और बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। आप अपने विचारों पर कंट्रोल रख सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन, ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। 2. आपकी मान्यताएं, योर बिलीफ। आपके विश्वास में जितनी ताकत है वह किसी और चीज में नहीं हो सकती। आप अगर मानते हैं तो चमत्कार भी हो सकते हैं, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप मेहनत करते हैं और आपको पूरा विश्वास है तो आप जरूर सफल होंगे। आप अपने दिमाग के और अपनी मान्यताओं के कंट्रोल में हैं तो अपने दिमाग को स्वस्थ और रचनात्मक विचारों और मान्यताओं से भरा हुआ रखें। 3. दूसरों के प्रति दयालु रहे, बी काइंड। दयालु होने में कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है, बस यह आपकी प्रकृति होनी चाहिए। आप जितना दूसरों को देते हैं उतना आपको ब्याज समेत वापस मिलता है। आप दूसरों के प्रति दयालु रहेंगे तो दूसरे भी आपके प्रति दयालु रहेंगे। दयालुता का भाव दूसरों को तो ऊपर उठाएगा ही, ये आपको भी ऊपर उठाएगा। आपकी छोटी सी पहल किसी की जिंदगी बदल सकती है। शायद आप नहीं जानते कि आपके शब्दों का दूसरा के लिए क्या महत्व है या फिर कब उन्हें इनकी जरूरत है। इसीलिए हमेशा दयालु रहे, दयालु लोग हमेशा प्यार पाते हैं। 4. आपकी कोशिश, योर एफर्ट। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। आपको सब कुछ मिलेगा बशर्ते आप अपना 100% एफर्ट लगाएंगे। खड़ी मेहनत करने वालों को हर चीज मिलती है। आपको केवल दूसरों को दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि हाँ भाई काम कर तो रहे हैं। आपको अपने प्रति ईमानदार रहकर पर्याप्त मात्रा में बेहतर क्वालिटी का एफर्ट, कोशिश लगाना है। आपके परिणाम आपके एफर्ट के पूरी तरह समानुपाती होते हैं। 5. सीखने की आदत, परस्यूट ऑफ नॉलेज। यह दुनिया बहुत सी तेजी से बदल रही है। अगर आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। अपने दिमाग को खुला रखिए, बदलाव को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करते रहिए। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, YouTube वीडियो का सहारा ले सकते हैं। YouTube का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर तरह की नॉलेज उस पर मिल जाएगी। इन सब का इस्तेमाल करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। हमेशा सीखने की मानसिकता रखें और अपने आप को मजबूत और बुद्धिमान बनाएं। और जब आप आगे बढ़े तो किसी दूसरे को भी अपने लेवल तक पहुंचने में मदद कीजिए। 6. एहसानमंद होना, बी ग्रेटफुल। आपके पास अपने दिन या फिर अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आप हर चीज के प्रति एहसानमंद रहिए, उनको थैंक यू बोलिए, उन्हें बताइए कि आपके जीवन में उनकी क्या अहमियत है। आप खाना खाए तो खाने के लिए अपनी मम्मी को या फिर ईश्वर को धन्यवाद दें। यानी कि पूरे दिन में आप हर चीज के लिए, जो भी आपको मिली है या मिलने वाली है, उसके लिए उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका एहसान व्यक्त कीजिए कि उन्होंने आपको इस काबिल समझा। आपके पास ढेर सारी चीजें हैं जिनका आपने कभी भी धन्यवाद नहीं दिया है, जैसे कि आपके पैर, आपके हाथ, आपकी आंखें, आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, आपके भाई बहन, माता पिता या फिर जिगरी दोस्त, और भी बहुत सारे हैं। यह लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली। इस सभी ने आपके लिए कुछ न कुछ जरूर किया होगा, तो इनके प्रति एहसान जताइए, इनको धन्यवाद कहिए। आप कुछ दिन यह करके देखिए, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। 7. वर्तमान को जिए, लाइव द प्रेजेंट। अपने भूत या भविष्य की चिंताओं से बाहर निकलकर आप अपने वर्तमान क्षण को जिए। अभी आपने हाथ में जो झुनझुना आपका प्यारा मोबाइल पकड़ रखा है, उसको छोड़कर अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय गुजारिए। छोटी छोटी चीजों का आनंद लीजिए।
अपने आभासी वातावरण से बाहर निकलकर प्रकृति के साथ समय गुजारिए और जादू भरी जिंदगी का लुफ्त उठाइए। यह सब आप कर सकते हैं और आप जरूर कीजिए अभी इसी वक्त। 8. आपका वातावरण, योर सराउंडिंग। आपको कैसे लोग अपने पास चाहिए, आपको एनर्जी देने वाले या आपकी एनर्जी खींचने वाले। आप समझदार हैं और आपकी जिंदगी अपनी पसंद के वातावरण के अनुसार आकार ले लेगी। अगर आप अभी नकारात्मक माहौल में रह रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके तुरंत इससे दूर हो जाए और सकारात्मक माहौल में चले जाए। सकारात्मक लोगों की संगत से आप भी सकारात्मक हो जाएंगे और आपको आगे बढ़ने के नए रास्ते भी मिल जाएंगे। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहे जो हमेशा आपको ऊपर उठाएं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।